हाय फ्रेंड्स, दिस इज आशीष एंड यू वाचिंग ज्ञान ज्योति आशीष ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ज्वाइन इंडियन नेवी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि इंडियन नेवी का नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि इंडियन नेवी का डेट भी करीब करीब आ गया है कि इस डेट को अप्लाई होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि अप्लाई तो कर देंगे, लेकिन अप्लाई के साथ साथ तैयारी भी तो उसको चाहिए ना, और कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस बेस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज मैं उसके बारे में ही बात करने वाला हूँ, जो कि ये इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। मैंने आज देखा कि उन्हें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आज मैं सोचा कि चलिए मैं आप लोग को वो बता दूँ, और आप लोग वो जो भी है PDF वहाँ पर डाउनलोड करके आप लोग प्रीवियस ईयर से उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आज मैं वही बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज मेरा ये इंडियन नेवी का ये आज पहला प्रैक्टिस सेट मैं बता रहा हूँ, जो कि ये ऑफिशियल है। ये मैंने कोई अपने से इसको प्रोवाइड नहीं करवा रहा हूँ, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पे ही है। तो आप लोग जाके इसको देखिएगा, और आप लोग को मुझे उम्मीद है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि इससे पहले जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम हुआ था, तो सैम्पल पेपर में से 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप लोग को नहीं पता होगा तो आप लोग मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा, और सैम्पल पेपर जब उसको डाउनलोड करेंगे एयरफोर्स का ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो आपको मिलेंगे। तो जैसे कि आज मैंने भी सोचा कि जब एयरफोर्स का मिल रहा है ऑफिशियल वेबसाइट पे सैंपल पेपर, तो इंडियन नेवी की वेबसाइट पे भी सैंपल पेपर होंगे। तो आज मैंने ट्राई करते करते हमको सैंपल पेपर का नोटिफिकेशन मिल गया, जो कि उसमें इसमें आर्मी नेवी का जो नेवी है, सॉरी नेवी, इसमें नेवी में आपका MR, उसके बाद SSR, उसके बाद AA, इसमें तीनों का आपका सैंपल पेपर और सिलेबस, जो न्यू वाला सिलेबस है आपका, तीनों उसमें दिया गया है। आप लोग बिल्कुल जाके देखिए, सिलेबस भी है ऑफिशियल वेबसाइट पे, ये नहीं कि कोई बनावटी है, कोई टाइपिंग है, ऐसा कोई बात नहीं। जाके आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे चलिए, हम देखते हैं हम भी। तो चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है, उसके बाद सर्च बॉक्स में करना है आपको ज्वाइन इंडियन नेवी, ठीक है, जो कि ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो JOIN ज्वाइन इंडियन नेवी, जैसे आप लोग करेंगे तो आ जाता है ऐसे, तो इस पर सर्च करेंगे हम। और सर्च करने के बाद यहाँ पे जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लोग देख रहे हैं कोई इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें बनावटी है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, आप लोग देख रहे हैं 3 लाइन है, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है जॉब, यहाँ पे इसको आप क्लिक करेंगे कैक्रस जॉब, ठीक है, इस पर करके उसके बाद ये आप लोग ऑप्शन ये देख रहे हैं, ठीक है, BCOM A Soldier, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए AA SSR MR, आगे आपका तीनों, और जो भी इसमें आप लोग देखना चाहते हैं जिसका सिलेबस या जिसका सैंपल पेपर, तो आप लोग बिल्कुल आके आप लोग आसानी से भी देख सकते हो। और यहाँ पे जैसे कि हम SSR का देखना चाहते हैं, SSR पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, और करने के बाद देखिए यहाँ पे एक और बात की मैं बता दूँ कि यहाँ पे जो भी है अबाउट दिस जॉब, तो इसमें जॉब के बारे में पूरा आपको बताया गया है, उसके बाद आपका वर्क्स के भी बारे में बताया गया है, उसके बाद ट्रेनिंग के भी बारे में बताया गया है, उसके बाद एजुकेशन जो कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए उसके भी बारे में बताया गया है यहाँ पे, एजुकेशन कि आपको जो भी है वहाँ पे एयरफोर्स में, उसके बाद और यहाँ पे भी बताया गया कि आपका ये 15 ईयर्स का सर्विसेज, ठीक है, 15 साल का ये नेवी का सर्विस रहता है। उसके बाद क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे जो भी दिखाया गया है सारे यहाँ पे दिखाए गए हैं, और उम्र भी यहाँ पे जो भी एज है 17 से 21 वर्ष होनी चाहिए आपका इनरोलमेंट। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आपका 2 ऑप्शन यहाँ पे आप लोग देख रहेंगे कि रिटन, यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन सिलेबस, और उसके बाद सैंपल क्वेश्चन पेपर। तो सैंपल पेपर से क्या होता है कि आप लोग जो भी देखेंगे वो इस उसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो नेवी ने क्वेश्चंस बनाए हैं सैंपल पेपर उसी आधार पर पूछती है, बल्कि ये आपको हूबहू नहीं आए वो तो अलग की बात है, लेकिन आपकी सैंपल पेपर जो बनाए जाते हैं एकदम लगभग वो आपकी लगती है कि उसमें जैसे कि कोई भी क्वेश्चंस रहे उसमें 4 है तो इसमें 6 रहेगा, बस डिफरेंस इतना ही रहता है। तो आप लोग इसको भी कर लीजिएगा। तो देखिए आप इस पर हम क्लिक करते हैं सैंपल पेपर पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि एक बार मैंने पहले इसको डाउनलोड कर लिया था, तो फिर से हम डाउनलोड करते हैं, और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पे आप लोग बिल्कुल देख सकते हो, और यहाँ पे कुछ टाइम लग रहा है अभी, देखिए डाउनलोड हो गया। और सैंपल पेपर जो कि आप लोग SSR 1 PDF
और ये योर क्वेश्चन पेपर कोड इज, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल 100 मार्क्स का होता है, और इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी दिए गए, मैंने देखा हूँ इसलिए हमको अच्छा लगा, क्योंकि इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आपको ये प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ। इसमें अच्छे अच्छे भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आपका सैम्पल, यहाँ पे आपका ये है रिटन एग्जामिनेशन सिलेबस भी है, आप लोग यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं, जो कि ये नए वाला आया है उसका इस सिलेबस है। तो यहाँ पे है आपका ये डबल ए का है, और इसमें SSR का भी है, ठीक है, दोनों का है। इसमें आप लोग देख लीजिएगा अपने अनुसार कि जो भी आपका होगा SSR या डबल ए, तो आप लोग बिल्कुल देख लीजिएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक और बात की नीचे में भी दिया गया यहाँ पे भी, और बहुत सारे लोग पता नहीं कैसे लोग बता रहे हैं कि नेवी ज्वाइन इंडियन नेवी का SSR डबल ए की वैकेंसी आ गई है, शायद वो आ गई है, लेकिन किसी पे दिखा रहे हैं, किसी पे नहीं दिखा रहे, तो लगभग मेरे उम्मीद से भी वो ज्वाइन इंडियन नेवी की वैकेंसी जा गई है। और एक और नीचे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको ऑप्शन, ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग बिल्कुल देख सकते हैं जो भी आपको देखने का अगर मन हो तो। लेकिन ये है, सच है कि इंडियन नेवी का फॉर्म आपका नोटिफिकेशन आ गया है, और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन नहीं है, फाल्स है, लेकिन आ चुका है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और एक और बात की, आप लोग जो भी सैम्पल पेपर है तीनों ने भी AMR का और AMR SSR डबल ए तीनों को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि सैम्पल पेपर में से ही आते हैं और इस बार ज़्यादा चांस बनेंगे आने की, ठीक है। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही, तो मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।